हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक पोस्टर जो है वो निकल कर आया है इंडियन नेवी को, जो बोइंग FA-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 ऑफर किया गया है उसका, जहां पर उसके आर्मामेंट्स और जो इक्विपमेंट्स लगे हैं उनको हम देख सकते हैं। तो आज हम कुछ ज़रूरी क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करेंगे, साथ ही साथ इस एयरक्राफ्ट के वेपन्स और आर्मामेंट को समझने की कोशिश करेंगे। तो इस पोस्टर में जो कॉन्फ़िगरेशन दिखाई गई है ये एक्चुअली नई नहीं है, थोड़े बहुत कॉस्मेटिक चेंजेस यहाँ पर किए गए हैं, अदरवाइज बिल्कुल सेम कॉन्फ़िगरेशन में ये FA-18 सुपर हॉर्नेट बोइंग इंडिया की वेबसाइट पे काफ़ी दिनों से है। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि 23 तारीख से ही जो FA-18 सुपर हॉर्नेट हैं वो इंडिया आ गए हैं, और इनके जो ट्रायल्स हैं वो शोर बेस्ड टेस्ट फैसिलिटी गोवा से चल रहे हैं, जिसकी कुछ फोटोग्राफ्स भी सामने निकल कर आई है। बोइंग द्वारा मार्केटिंग कैंपेन भी जो है वो बढ़ा दी गई है और काफ़ी नए प्रोमोज जो हैं वो निकाले जा रहे हैं। तो अगर अंकल सैम की कंडीशंस वाला पॉइंट ना हो तो बोइंग FA-18 सुपर हॉर्नेट जो है वो इजी विनर दिखाई देता है, क्योंकि इसका जो एक्विजिशन कॉस्ट है वो कम है, साथ ही साथ जो दूसरे अमेरिकन प्लेटफॉर्म है जिसमें बोइंग P-8i हो गया और MH-60R रोमियो हेलीकॉप्टर हो गया, उनके साथ आपको प्रॉपर कनेक्टिविटी यहाँ पर मिल जाएगी, जो कि ओवरऑल नेवी के ऑपरेशन कैपेबिलिटी को बढ़ाएगा। साथ ही साथ इसका ऑपरेटिंग कॉस्ट भी रफाल के कंपैरिजन में कम है, इसकी जो एयर फ्रेम लाइफ है वो भी अराउंड 10,000 hours की है। साथ ही साथ इसके साथ जो कुछ वेपन्स आने वाले हैं वो पहले से ही हमारी सर्विस में है, चाहे हम हारपून्स की बात करें, चाहे हम JDAMs की बात करें। साथ ही साथ जिस तरीके का कोऑर्डिनेशन जो है वो इंडियन नेवी और US नेवी में देखा जा रहा है, तो इंडो पैसिफिक रीजन में आपको इंटर ऑपरेबिलिटी भी बेटर मिल जाएगी FA-18 सुपर हॉर्नेट के साथ, जहां पर US के अवैक्स वगैरह हो गए, उनके खुद के मैरिटाइम पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट हो गए, सर्विलेंस हेलीकॉप्टर हो गए, उनके साथ एक बेटर कोऑर्डिनेशन FA-18 सुपर हॉर्नेट से मिलेगा, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बाकी जो पोस्टर में वेपन्स दिखाई दे रहे हैं जिनको ऑफर किया जा सकता है, उसमें विंग टिप पर आपको मिलेगी एक छोटी सी मिसाइल जो कि AIM-9X Block 2 है। ये शॉर्ट रेंज की एयर टू एयर मिसाइल है जो कि 35 किलोमीटर तक की मैक्सिमम रेंज देती है और हाई ऑफ पोर लॉन्चेस को सपोर्ट करती है। साथ ही साथ यहाँ पर लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च की कैपेबिलिटी मिल जाती है, यानी कि मिसाइल को लॉन्च करने के बाद भी टारगेट को लॉक किया जा सकता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस मिसाइल है, लेकिन अगर इंडियन नेवी चाहे तो यहाँ से SRAM भी यूज़ करी जा सकती है AIM-9X की जगह, जैसे कि ऑस्ट्रेलियन नेवी द्वारा यूज़ करी जाती है। तो AIM-9X के ब्लॉक 3 वर्जन पर भी काम चल रहा है, जहां पर उसकी रेंज को बढ़ाने की कोशिश करी जा रही है, ताकि हाई जैमिंग एनवायरनमेंट में भी BVR रेंजेस में मिसाइल जो है वो दागी जा सके, और ये सिमिलर कॉन्सेप्ट है जैसा कि SRAM को बनाने में यूज़ किया गया था। तो अमेरिका जो है वो फुल सर्कल आ रहा है ब्लॉक 3 से, और SRAM वाली कॉन्फ़िगरेशन पर ही लौट कर वापस आ रहा है। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि SRAM को इंडिया में ही बनाया जाना है, और जो NGCCM मिसाइल है वो उसी पर बेस्ड है। तो अगर हमारे पास मिसाइल पहले से अवेलेबल है तो बेटर है कि लॉजिस्टिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो अवेलेबल मिसाइल है उसको यूज़ किया जाए, तो AIM-9X की जगह हम SRAM को यूज़ कर सकते हैं। बाकी अगली मिसाइल की बात करें तो ये AGM-88 HARM है, जो कि एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है। तो ये AGM-88E है, जो कि लेटेस्ट वर्जन है, और करीबन 100 किलोमीटर के ऊपर किसी भी रडार स्टेशन को या फिर किसी भी EM वेव के सोर्स को टारगेट करने में सक्षम है, और इनका एक एक्सटेंडेड रेंज वर्जन भी आ रहा है जहां पर 300 किलोमीटर की मैक्सिमम रेंज को ये स्ट्राइक करने में सक्षम होगी। ऑल दो हमारे पास सिमिलर मिसाइल है जो कि इससे ज़्यादा मैक्सिमम रेंज देती है, यहां पर हम Rudram-1 की बात कर रहे हैं, तो वो हम यहां पर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि क्या अमेरिका अलाउ करता है इंडियन वेपन्स को FA-18 सुपर हॉर्नेट से इंटीग्रेट करने के लिए। तो अगर बोइंग या डसॉ में से कोई भी अग्री करता है, ये एक काफ़ी बड़ा प्लस पॉइंट जो है वो ऐड करेगा उनके प्लेटफॉर्म को। बाकी अगले वेपन की बात करें तो ये एयर टू एयर मिसाइल है AIM-120D AMRAAM, जो कि AMRAAM का सबसे लेटेस्ट वर्जन सर्विस में है। इससे एक वर्जन नीचे AIM-120C जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ सर्विस में है। बाकी दोनों मिसाइल में डिफरेंसेस की बात करें तो AIM-120D की जो मैक्सिमम रेंज है वो AIM-120C से 40 से 50 किलोमीटर ज़्यादा है, साथ ही साथ उसकी इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर कैपेबिलिटी भी ज़्यादा बेटर है और टारगेट ट्रैकिंग भी ज़्यादा बेटर है। तो ये एक काफ़ी अच्छा एड ऑन हो सकता है। बाकी हमारे द्वारा भी अस्त्र Mark-1 और Mark-2 बनाई जा रही है, पर AIM-120D एक काफ़ी अच्छा एड ऑन हो सकता है इंडियन नेवी की सर्विस में। बाकी अगर आप सेंटरलाइन पोर्ट को देखेंगे तो ये एक ड्रॉप टैंक है जिसमें आगे की तरफ आपको एक IRST सेंसर दिखेगा। तो ये IRST-21 है जिसे लॉकहीड मार्टिन द्वारा बनाया गया है। ये एक लॉन्ग वेव इन्फ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सेंसर है जो कि 50 to 100 किलोमीटर की रेंज में टारगेट्स को ट्रैक करने में सक्षम है।
पैसिवली। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि F-18 सुपर हॉर्नेट में इनबिल्ट IRST सेंसर नहीं दिया गया है, तो इसे हम जुगाड़ कह सकते हैं जो कि निकाला गया है F-18 सुपर हॉर्नेट में IRST कैपेबिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए। बाकी ब्लॉक 3 कॉन्फ़िगरेशन में हम CFT यानी कि कन्फर्मल फ्यूल टैंक्स को देख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर आपको इंटरनल फ्यूल पे बेटर कॉम्बैट रेंज जो है वो मिल जाएगी। तो F-18 सुपर हॉर्नेट एक कन्फर्म विनर हो सकता है अगर यहाँ पर दो कंडीशन जो है वो ये सेटिस्फाई करे। पहला, अंकल सैम की कंडीशंस जो हैं वो यहाँ पर ज़्यादा ना लगे। दूसरा, इंडियन वेपन्स का इंटीग्रेशन यहाँ पर इंश्योर किया जाए ताकि लॉजिस्टिक्स के लिए या फिर वेपन्स के लिए भी हमें अमेरिका को ही ना देखना पड़े। बाकी एक और बड़े प्लस पॉइंट की यहाँ पर बात करें तो इंजन कॉमनलिटी जो है वो मिल जाती है तेरस मार्क 2 से, आम का मार्क 1 से और फ्यूचर के TBF एयरक्राफ्ट से, तो ये भी एक बड़ा प्लस पॉइंट है। बाकी रिजल्ट क्या होता है ये आगे देखने वाली बात होगी। और जो कुछ रिपोर्ट्स हैं वो ये आ रही हैं कि इस साल के अंत से पहले पहले 26 एयरक्राफ्ट के जो ऑर्डर हैं वो दिए जा सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं INS विक्रांत जो है वो इस साल 15 अगस्त को इंडियन नेवी की सर्विस ज्वाइन करेगा और Mk-29K के नंबर जो हैं वो हमारे पास लिमिटेड हैं, तो हम यहाँ पर ज़्यादा वेट नहीं कर सकते और एडिशनल एयरक्राफ्ट को ऐड करने के लिए ताकि वो INS विक्रांत से ऑपरेट हो सके। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर हो। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।